हाय फ्रेंड्स, ये हमारा फायर फाइटिंग स्टोर रूम है जहाँ पंप हमारा इंस्टॉल हुआ है। आज हम जानते हैं इसमें क्या क्या इक्विपमेंट लगा है और क्या काम करते हैं। सबसे पहले ये हमारा सक्शन लाइन हो गया, ये हमारा सक्शन पाइप हो गया, ये हमारा सक्शन पाइप हो गया, इसमें हमारा एक मेन पंप हो गया, ये हमारा जॉकी पंप का पाइप हो गया। मेन पंप में ये पाइप हो गया। सबसे पहले इसमें बॉलर लगा हुआ है ताकि प्राइमिंग करने के पंप को। उसके बाद बटरफ्लाई बल्ब लगा हुआ है, उसके बाद स्ट्रेनर लगा हुआ है ताकि कोई अगर पार्टिकल वगैरह आता है तो इसमें फिल्टर हो जाएगा। उसके बाद हमारा ये पंप हो गया, उसके बाद में हमारे एनआरबी हो गया, मॉनिटर बल्ब हो गया, उसके बाद हमारा प्रेशर गेज लगा हुआ, प्रेशर रीडिंग करने लगे। उसके बाद बटरफ्लाई बल्ब लगा हुआ है डिलीवरी साइड में पाइप को ओपन और क्लोज करने के लिए। बस ये हमारा मेन पाइप रहा जो गया हुआ है पूरे रूम के अंदर में, पूरा बिल्डिंग में गया हुआ है। इसके बाद में लगा हुआ हमारा ये जॉकी है, जॉकी में सक्शन पाइप हो गया। इस इंडे पे हमारा फुटबॉल लगा होगा ताकि पानी जो भी सक्शन साइड में हो वो रिटर्न ना जाए। इसके बाद में ये बल्ब लगा हुआ है ये प्राइमिंग करने के लिए, ओपन हो गया ये क्लोज हो गया। इसके बाद में ये बटरफ्लाई बल्ब सक्शन साइड का है पाइप ओपन और क्लोज करने के लिए। उसके बाद में हमारा ये स्ट्रेनर लगा हुआ है ताकि कोई पार्टिकल अगर आता है तो ये फिल्टर कर लेगा, पंप में जाने नहीं देगा। इसके बाद में जॉकी पंप में ये लगा हुआ Kcil क्लोजर का लगा हुआ है, ये काफ़ी हाई प्रेशर पंप होता है, कम टाइम में काफ़ी जल्दी प्रेशर होता है। उसके बाद में ये हमारा NRV लगा हुआ है नॉन इंटाल बल्ब, उसके बाद में ये प्रेशर गेज लगा हुआ है प्रेशर रीडिंग करने के लिए। उसके बाद में ये हमारा बटरफ्लाई बल्ब लगा हुआ है डिलीवरी साइड में पाइप ओपन और क्लोज करने के लिए। ऐसे उसके बाद में ये हमारा मेन पाइप होगा दोनों पाइप, यहाँ से ये हमारा रूम में गया हुआ है। बस आज से देखिए इतना।